हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिलेक्शन मेंटर। आई एम गरिमा। आज का जो एडिटोरियल है वो डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले ओवरव्यू लेंगे। जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि अगर हम किसी भी पैसेज का या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ओवरव्यू लेते हैं तो उससे वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है और उससे रिलेटेड जो व्यूज़ हैं, थिंकिंग हैं, वो हमारे माइंड में डेवलप्ड होती रहती हैं। तो इस एडिटोरियल में राइटर बता रहा है कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओज़ पे या फिर जो पब्लिक बॉडीज़ होती हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन पे भी आईटीआई को लागू किया है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और किस तरह से वो लोग मना कर रहे थे कि पब्लिक अथॉरिटीज़ पे या फिर एनजीओ पे आरटीआई नहीं शुरू होनी चाहिए। इसमें राइटर ने पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दी है, सब्सटेंशियल के बारे में बताया और बहुत इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं रिलेटेड टू आरटीआई जो अभी अभी लगाई है गवर्नमेंट ने। शुरू करते हैं। अ वोट फॉर ट्रांसपेरेंसी। एक जो वोट दिया गया, ट्रांसपेरेंसी मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, किसी भी चीज़ का क्लियर होना या स्पष्ट होना। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वोट दिया है या फिर पक्ष लिया है ट्रांसपेरेंसी का, क्लियरनेस का। एससी डज वेल टू ब्रिंग गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ अंडर आरटीआई। एससी यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट डज वेल, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लेके आना, लेके आई है वो गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ, जो गवर्नमेंट द्वारा फंड किए जाते हैं एनजीओज, उनको अंडर आरटीआई, आरटीआई के अंडर। यहाँ पे डज एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए लगा है, और वेल यहाँ पे एक एडवर्ब है। आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होल्डिंग एनजीओज एंड प्राइवेट बॉडीज रिसीविंग सब्सटेंशियल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जजमेंट मीन्स होता है कोई डिसीजन आना, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है होल्डिंग एनजीओज एंड प्राइवेट बॉडीज, होल्डिंग मीन्स होता है कीपिंग या फिर रिटेंशन भी बोलते हैं हम इसको, तो उसने कीप किया है, लिया है एनजीओज और प्राइवेट बॉडीज़ को रिसीविंग सब्सटेंशियल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, जो रिसीव कर रहे थे। सब्सटेंशियल मीन्स होता है एक बहुत बड़ा पार्ट, एम्पल भी बोलते हैं हम जिसको, तो बहुत बड़ा पार्ट जो गवर्नमेंट की फाइनेंस का रिसीव कर रहे थे उनको इंक्लूड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि अब इस फाइनेंस के लिए बता रहा है यहाँ पे, जो कि डायरेक्ट रिसीव कर रहे थे या इनडायरेक्ट रिसीव कर रहे थे, किसी भी तरीके से जो रिसीव कर रहे हों। एज बीइंग अकाउंटेबल अंडर द आरटीआई एक्ट इज अ वोट फॉर प्रोबिटी, उनको अब अकाउंटेबल किया जाएगा, वो अब रिस्पॉन्सिबल होंगे अंडर द आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट के अंडर इज अ वोट फॉर प्रोबिटी। अब ये जो सारी जजमेंट है वो एक वोट है, वो एक पक्ष ले रही है जो सुप्रीम कोर्ट है प्रोबिटी का। प्रोबिटी मीन्स होता है फेयरनेस या फिर ऑनेस्टी, क्योंकि अगर किसी भी जगह अगर हम आरटीआई को लगाते हैं तो वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, इसीलिए ये एक फेयरनेस वाला काम है। द अपेक्स कोर्ट हैज सेड, जो अपेक्स कोर्ट, अपेक्स मीन्स होता है सुप्रीम या फिर सबसे बड़ा, टॉप पे है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप पे है कोर्ट्स में, इसी वजह से यहाँ पे यूज हुआ है द अपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, उन्होंने, उसने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हैज यूज हुआ है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और हैज़ के बाद जो सेड है वो मेन वर्ब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कि देयर इज नो रीज़न व्हाई, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि एनी सिटीजन कैनॉट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी सिटीजन है जो नॉर्मल नागरिक है वो इन्फॉर्मेशन के लिए डिमांड नहीं करता। आस्क फॉर मीन्स डिमांड, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने की कि वेदर हिज और हर मनी विच हैज़ बीन गिवन टू एन एनजीओ, कि उसकी जो मनी है जो वो देता है एनजीओस को और एनी अदर बॉडी और किसी दूसरी बॉडी को, इज बीइंग यूज्ड, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, फॉर द रिक्विजिट पर्पज़ और नॉट, कि उसको जो यूज़ किया जा रहा है वो रिक्विजिट पर्पज़ के लिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। रिक्विजिट मीन्स होता है नीडेड या फिर पार्टिकुलर, जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए अगर हम किसी को फाइनेंस दे रहे हैं तो उस स्पेशल पर्पस के लिए उसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। सीखने का रूल यहाँ पे ये है कि देयर इज नो रीजन, देयर के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो उसके बाद आने वाले नाउन के लिए होती है, जैसे कि नो रीजन यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो इज का यूज हुआ है वो भी एक सिंगुलर वर्ब है। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो सीखने वाली है कि कैन एक मोडाल है, और कैन, कुड, वुड, शुड, किसी भी मोडाल के बाद हमेशा नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। आगे चलेंगे।
NGO and other private bodies, NGOs और जो दूसरी private bodies हैं that receive government funds. अब NGOs and other private bodies ये एक दोनों को लेंगे अगर हम दोनों को लेके चलते हैं तो एक plural noun बनता है. अब इस plural noun के लिए जो verb आई है receive, ये जो verb आई है receive ये बता रही है कि ये एक plural verb है. तो जब भी किसी verb को plural बनाना, मतलब verb अपनी जो natural उसकी नेचुरल रूप में जो होती है वो प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ई आई एस लगाते हैं, लेकिन नाउन को प्लूरल लगाने बनाने के लिए एस ई आई एस लगाते हैं. इसीलिए ये जो रिसीव है ये एक प्लूरल वर्ब है. तो एनजीओज और दूसरी जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं दैट रिसीव, जो कि रिसीव करती हैं गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट का फंड्स, हैव ओफन स्टॉनवॉल्ड अटेम्प्ट्स. हैव ओफन स्टॉनवॉल्ड अटेम्प्ट्स मीन्स कि वो लगातार स्टॉनवॉल्ड कर रही थी अटेम्प्ट्स को. स्टॉनवॉल्ड मींस होता है डिले कर रही थी कि उन पे ना आरटीआई ना लगे, इसीलिए वो बार बार इस अटेम्प्ट को डिले कर रही थी. टू ब्रिंग देम अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई, किस अटेम्प्ट को कि उनको अंदर ना लेके आया जाए अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई. एम्बिट मीन्स होता है किसी भी स्कोप या रेंज के अंदर, जो आरबीआई एक्ट है उसकी रेंज के अंदर उनको ना लेके आया जाए, इसीलिए वो बारी बारी इस अटेम्प्ट को डिले कर रही थी. बाय प्लीडिंग, प्लीडिंग मीन्स होता है अपील करना. वो अपील कर रहे थे कि दैट दे आर नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी एज डिफाइंड बाय एक्ट, कि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है जैसा कि एक्ट ने डिफाइन किया है. बट लेकिन एस सी रीड द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रीड किया जो डेफिनेशन है पब्लिक अथॉरिटी की अंडर सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट, जो एक्ट के अंदर आती है, जो सेक्शन 2H है उसके अंदर, अलोंग विद द लॉज, और उसके साथ साथ जो लॉज हैं उसके ऑब्जेक्ट को और जो रीजन सेक्शन है उनको भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रीड किया. अब इन रीजन सेक्शन के लिए बता रहा है यहां पे राइटर कि विच स्टेट्स, जो बताते हैं दैट कि जो डेमोक्रेसी है वो रिक्वायर करती है एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इसके लिए बता रहा है राइटर रीजन सेक्शन के लिए कि विच स्टेट जो बताता है दैट कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, डेमोक्रेसी है वो डिमांड करती है. रिक्वायर्स क्यों लगाया है, क्योंकि ये यहाँ पे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है. डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी भी बोलते हैं जिसको, जागरूक नागरिक बोलते हैं जिसको सब कुछ पता हो, एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन है उनमें क्लैरिटी हो, ये डिमांड करता है वो जो सेक्शन है. एंड रूल दैट, और उसके बाद ये सब रीड करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल्ड किया, उसने आदेश दिया कि एनजीओ एंड प्राइवेट बॉडीज, जो एनजीओ हैं और जो प्राइवेट बॉडी हैं, रिसीविंग सब्सटैंशियल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, जो रिसीव कर रहे हैं सब्सटैंशियल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, एक बहुत बड़ा पार्ट जो गवर्नमेंट की फाइनेंस का, आर पब्लिक अथॉरिटी, वो पब्लिक अथॉरिटीज हैं. एस सी ऑल्सो डिड वेल, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ साथ उन्होंने और भी अच्छा किया, टू डिसएम्बिगुएट एज बेस्ट एज पॉसिबल. डिसएम्बिगुएट मीन्स होता है डिसमिस करना, कि उन्होंने डिसमिस कर दिया इनको कि वो एक पब्लिक अथॉरिटी हैं. इस वो तो कह रहे थे कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको पब्लिक अथॉरिटी के अंडर लाया, इस चीज़ को उन्होंने डिसमिस किया एज बेस्ट एज पॉसिबल, जितना कि सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी. सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग, सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग है जो उसके अंडर. द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस दीपक गुप्ता एंड अनिरुद्ध बोस. अब जो बेंच है, बेंच बोलते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, तो जो बेंच था वो कंप्राइजिंग था. कंप्राइजिंग मीन्स इंक्लूड होना, तो उस बेंच में इंक्लूड थे जस्टिस दीपक गुप्ता एंड अनिरुद्ध बोस. रूल्ड दैट, अब बेंच ने रूल किया, आदेश दिया दैट सब्सटैंशियल वॉज नॉट नेसेसरली ए मेजर पोर्शन और मोर देन 50%. अब यहाँ सब्सटैंशियल के बारे में बता रहा राइटर कि उन्होंने बताया कि जो सब्सटैंशियल है वो ये जरूरी नहीं है, वाज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है अ मेजर पोर्शन, वो एक बहुत बड़ा पोर्शन ही हो, या फिर और मोर देन 50%, और वो 50% से ज़्यादा हो. एंड और दैट देयर कैन बी दैट देयर कैन बी नो हार्ड एंड फास्ट रूल लेड इन दिस रिगार्ड. और इसके तहत कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया गया, कुछ भी हमारे लॉज के अंदर, हमारे रेगुलेशंस के अंदर, रूल्स के अंदर ऐसा लिखा नहीं गया कि जो सब्सटैंशियल है वो एक 50% से ज़्यादा पार्ट होगा या फिर मेजर पार्ट होगा, ये बताया उन्होंने बेंच ने. इट मेड द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एन एनजीओ और अ प्राइवेट बॉडी, ये बनाता है एक इफेक्टिव फंक्शनिंग करने में, मतलब हेल्प करता है
जो एनजीओज और प्राइवेट बॉडीज हैं उनकी उनके जो वर्क है उसको इजीली करने में, उसको इजी करने में, इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है. द टचस्टोन ऑफ डिटरमाइनिंग, एक जो टचस्टोन है, टचस्टोन मींस होता है एक स्टैंडर्ड या फिर जो क्राइटेरिया है ऑफ डिटरमाइन करने का, पता लगाने का वेदर कि द गवर्नमेंट फंडिंग वॉज सब्सटैंशियल और नॉट, कि जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो सब्सटैंशियल है या नहीं, ये पता लगाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है. अगर जो एनजीओज और प्राइवेट बॉडीज हैं वो अगर अपना काम अच्छे से कर रही हैं तो उनको अच्छे फाइनेंस की ज़रूरत होगी, और यही तरीका है जो पता लगाता है कि उन वो सब्सटैंशियल हैं या नहीं हैं. सेइंग कहते हुए अनदर एस्पेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग सब्सटैंशियल फाइनेंस, एक जो दूसरा पहलू है पता लगाने का कि ये सब्सटैंशियल फाइनेंस है या नहीं है, वो ये है कि इस वेदर द बॉडी, क्या जो बॉडी है, जो अथॉरिटीज़ है और जो एनजीओज हैं, कैन कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी, क्या वो कैरी ऑन कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली अच्छे तरीके से विदाउट गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट से फाइनेंस लिए हुए क्या वो अपनी जो वर्क है, अपनी जो फंक्शनिंग है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं. If its functioning depend on the finance of government, अगर उसकी जो functioning है, उसका जो daily routine का जो work है, वो depend करता है on the finances of the government, जो government जो finance provide करवा रही है, उस पे अगर depend करता है, then तब there can be no manner of doubt. तो यहाँ पे doubt का कोई पहलू ही नहीं रह जाता, कोई डाउट रह ही नहीं जाता कि दैट हैज़ टू बी टर्म्ड एज सब्सटैंशियली फाइनेंस, कि वो सब्सटैंशियली फाइनेंस है भी या नहीं. क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट से फाइनेंस लेके काम कर रही है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो फाइनेंस के बिना अपना काम नहीं कर पा रही. तो इस वजह से यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहता कि वो सब्सटैंशियली फाइनेंस है या नहीं है. द जजमेंट स्पेसिफाई दैट, अब जो जजमेंट आई है वो स्पेसिफाई करती है, वो बताती है दैट कि सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग डजंट एनी मीन डायरेक्ट फाइनेंसिंग. जो सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ डायरेक्टली उनको मनी प्रोवाइड करवा देना, बट ऑल्सो, लेकिन साथ में यहाँ पे एक पेयर आया है नॉट ओनली बट ऑल्सो का. नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का पेयर होता है, और इनके साथ जो पैरेललिज्म का रूल भी चलता है. नॉट ओनली मीन डायरेक्ट फाइनेंसिंग, इनका मतलब ना केवल डायरेक्ट फाइनेंसिंग करना है, डायरेक्ट मनी प्रोवाइड करवाना है, बट ऑल्सो इंक्लूड इनडायरेक्ट एड. तो इसके अंदर इनडायरेक्ट एड को भी इंक्लूड किया गया है. इनडायरेक्ट एड मीन्स होता है हेल्प, इनडायरेक्ट मीन्स, अभी यहाँ एग्जाम्पल दे रहा राइटर, सच एज फ्री और हैविली डिस्काउंटेड लैंड. जैसे कि अगर उनको गवर्नमेंट डिस्काउंटेड लैंड प्रोवाइड करवा रही है तो उसको भी इनडायरेक्ट एड में इंक्लूड करते हैं. द बेंच से, बेंच ने कहा द वेरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन. अब यहाँ पे वेरी क्यों यूज हुआ है, वेरी यहाँ पे एम्फेसिस डाल रहा है एस्टेब्लिशमेंट पे. तो जो वेरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इफ़ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लार्जेसी ऑफ स्टेट, अगर वो डिपेंड करती है, लार्जेसी मीन्स होता है दयालुता या जेनरोसिटी जिसको बोलते हैं, अगर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो बनना है वो डिपेंड करता है स्टेट की दयालुता पे इन गेटिंग लैंड, लैंड भूमि लेने में, जगह लेने में एट अ चीप प्राइस, एक चीप प्राइस से बिल्कुल कम प्राइस पे, वुड मीन दैट, अब ये बताता है दैट कि इट सब्सटैंशियली फाइनेंस, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सब्सटैंशियली फाइनेंस है, मतलब इस इंस्टीट्यूशन में जो फाइनेंस का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पार्ट एक गवर्नमेंट पे कर रही है. आगे चलते हैं, लैंडमार्क एससी जजमेंट. लैंडमार्क मीन्स होता है ये जो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ब्रिंग्स अ होस्ट ऑफ बॉडीज, उसने ब्रिंग किया है, लाया है बहुत सारी जो ए होस्ट ऑफ बॉडीज, मतलब बहुत सारी जो बॉडीज इंक्लूड की हैं उसने. अब यहाँ पे दो कोमा के बीच में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद लाइन यहाँ से शुरू होती है अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट. यहाँ से पढ़ेंगे द लैंडमार्क एससी जजमेंट, जो एक लैंडमार्क जो एससी की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो ब्रिंग करती है, उसने लाया है अ होस्ट ऑफ बॉडीज, बहुत सारी जो प्राइवेट पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट के स्कोप में, रेंज में. अब इस सब के लिए, बॉडीज़ के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हीदर टू आउटसाइड पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक स्क्रूटनी डिस्पाइट द पब्लिक नेचर एंड स्कोप्ड देयर फंक्शन. अब इन बॉडीज़ के लिए बता रहा है, जो कि हीदर टू मीन्स होता है टिल नाउ, ऑलरेडी, सो फार, तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं अभी तक आउटसाइड द पब्लिक स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मीन्स होता है छांटना, तो ये जो
अथॉरिटीज थी अभी तक बाहर थी, जो पब्लिक स्क्रूटनी की जा रही थी उनसे अभी तक बाहर थी, बची हुई थी डिस्पाइट द पब्लिक नेचर, पब्लिक नेचर के होते हुए भी, क्योंकि इनका स्कोप था और इनके जो फंक्शन थे वो पब्लिक नेचर के थे, फिर भी ये अभी तक बची हुई थी पब्लिक स्क्रूटनी होने से, ये बता रहा है इन बॉडीज के लिए राइटर. सम आर टेंटेड विद एलिजेशंस, जो कुछ अब बॉडीज के लिए बता रहा है, ये जो बॉडीज हैं कुछ तो टेंटेड थी, स्पॉइल्ड थी, खराब थी, विद एलिजेशंस. एलिजेशंस मीन्स होता है आरोप लगाना. एलिजेशंस ऑफ इम्प्रोपेरिटी, इम्प्रोपेरिटी मीन्स होता है एक इम्प्रॉपर से बना है ये वर्ड. इम्प्रॉपर मीन्स होता है गलत होना, अपनी जो लाइन है हमारी एक उस पर सही ना होना. तो ये जो अथॉरिटीज थी ये इम्प्रॉपर थी. फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहा राइटर इस तरह के जो केसेस हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो BCCI है इंडिया में, इंक्लूडिंग इट्स मेंबर और इसके जो मेंबर हैं, इसकी जो मेंबर एसोसिएशंस है, इस लाइन में एक मिस्टेक है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको इस मिस्टेक का पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस लाइन में मिस्टेक क्या है. तो शुरू करेंगे. फॉर इंस्टांस, फॉर एग्जाम्पल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो BCCI है, जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग इट्स मेंबर एसोसिएशन और इसके साथ इसके जो मेंबर एसोसिएशन हैं एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे, विच गेट्स सब्सटैंशियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट, जो प्राप्त करते हैं सब्सटैंशियल, एक बहुत बड़ा पार्ट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के सपोर्ट का, हैज़ स्टीडफास्टली रिफ्यूज्ड, उसने स्टीडफास्टली रिफ्यूज़ किया. स्टीडफास्टली मीन्स होता है लॉयल्टी के साथ, जो BCCI है उसने रिफ्यूज़ किया टू कम अंडर द RTI, कि वो RTI के अंदर नहीं आना चाहता, डिस्पाइट बींग डॉज्ड बाई वाइड स्प्रेड करप्शन. डॉज्ड मीन्स होता है कि परसिस्टेंस, भरा हुआ है लगातार, जिसके अंदर बहुत सारा करप्शन हो रहा है. सिमिलरली और साथ ही ऐसा ही पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऐसा ही कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुज ऑफिसेज, जिनके जो ऑफिसेज हैं, स्टैंड ऑन अ लैंड ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, जिनके जो ऑफिसेज हैं वो खड़े हैं, बनाए गए हैं, जो लैंड गवर्नमेंट ने दी थी उनके द्वारा, हैव ऑल्सो इवेडेड द RTI लेंस, और वो भी अभी तक इवेड कर रहे हैं, खुद को एस्केप कर रहे हैं, बचा रहे हैं RTI लेंस में आने भी, ताकि वो उनको RTI एक्ट के अंडर ना लाया जाए. आयरोनिकली नो अदर बॉडी इन द कंट्री, आयरोनिकली मीन्स होता है विडंबना है ये, कि कोई भी जो दूसरी बॉडी है हमारी कंट्री में, हैज़ एज कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायरेक्ट अ बियरिंग पॉलिसी एंड फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एज. अब एज और एज के बीच में देखो कितनी बड़ी लाइन दी गई है, ये बता रही है यहाँ पे कि ये एक, जैसे कि हम बोलते हैं इतना कि जितना, उस तरह से ये जो लाइन है वो बता रही है कि आयरोनिकली नो अदर बॉडी, की विडंबना यह है कि कोई भी जो दूसरी बॉडी है इन द कंट्री, हमारी कंट्री में, हैज़ उसके पास इतना कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायरेक्ट अबियरिंग पॉलिसी एंड फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी नहीं है जितना पब्लिक पार्टीज़ के पास है. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है कि ओवरऑल, और डायरेक्ट अबियरिंग पॉलिसी, बियरिंग मीन्स होता है अपनी एक सपोर्ट करने वाली जो पॉलिसी है, इतनी कंप्लीट और डायरेक्ट सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज नहीं है, और ना ही फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ का है, इतना ही इतना फंक्शनिंग है जितना पब्लिक अथॉरिटीज़ को दिया गया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास है. दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल. वो कैब्स को देखेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. उम्मीद करूंगी कि आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा, मैंने मेरी तरफ से 100% दिया है कि मैं आपको ये एडिटोरियल समझा पाऊँ. और हम जो एडिटोरियल डिस्कशन कर रहे हैं वो GK के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिकॉज IBPS क्लर्क, IBPS PO, इनके अंदर जो इंग्लिश है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और अगर इस तरह से आप अगर डेली रीडिंग कर रहे हो, एक एडिटोरियल मैं आपको करवा रही हूँ और इसी तरह से एक या दो एडिटोरियल आप खुद पढ़ रहे हो और उसके अलावा अलग से रीडिंग कर रहे हो, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. मैंने भी मेरी जो इंग्लिश है उसको इसी तरह इम्प्रूव किया है, जिससे कि मुझे हेल्प मिली है मेरे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में. तो शुरू करते हैं वोकैब्स को. ट्रांसपेरेंसी मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर. जजमेंट मीन्स होता है डिसीजन. होल्डिंग मीन्स होता है कीपिंग, बना के रखना. अकाउंटेबल मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल. प्रॉबिटी मीन्स होता है फेयरनेस या फिर ऑनेस्टी. स्टोन वॉल्ड मीन्स होता है डिले करना, ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलते हैं जिसको हम. एम्बिट मीन्स होता है स्कोप या फिर रेंज. प्लीडिंग मीन्स होता है अपील करना,
रिक्वेस्ट करना, डिसएम्बिगुएट मीन्स होता है डिसमिस करना, कंप्राइजिंग मीन्स होता है इंक्लूड करना, शामिल करना, टचस्टोन होता है एक स्टैंडर्ड फिक्स करना, क्राइटेरिया फिक्स कर देना, लगार्ड से मीन्स होता है लार्ज से मीन्स होता है जेनरोसिटी, दयालुता जिसको हम बोलते हैं, हिदर टू मीन्स होता है अर्लियर भी बोलते हैं इसको, एलरेडी भी, सो फार एंड टिल नाउ, टॉन्टेड मीन्स होता है स्पॉइल्ड खराब कर देना, इम्प्रॉपरिटी मीन्स होता है इंडिसेंसी, एक होता है डिसेंट बोलते हैं कि बहुत अच्छा है ये अपने प्लेस पे प्रॉपर है, उसी तरह उसका जो एंटोनियम है वो है इंडिसेंट, यही इम्प्रॉपरिटी का सिनोनियम है। डॉज्ड मीन्स होता है डिटरमाइंड या फिर परसिस्टेंट, स्टीडफास्टली मीन्स होता है लॉयल है, स्टिफ है अपने, कट्टर बोलते हैं इसको हिंदी में, इवेडेड मीन्स होता है एस्केप करना, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स होता है ओवरऑल। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल, थैंक यू।